हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आज मैं फिर से लेके आ गई हूँ आपको सरोजनी नगर की ट्रेंडिंग विंटर हॉल मार्केट में। तो चलते हैं मार्केट। मैं आ चुकी हूँ सरोजनी नगर के मेट्रो स्टेशन में, और आज संडे का दिन है और इतना ज़्यादा क्राउड हो रहा है यहाँ, बहुत ज़्यादा क्राउड हो रहा है क्योंकि विंटर्स का कलेक्शन जो है अभी अभी नया है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा क्राउड यहाँ पे हो गया है। तो चलते हैं, दिखाते हैं आपको सरोजनी नगर का व्यू। गाइस, फाइनली वी आर रीच गेट नंबर 2 से मैं निकल चुकी हूँ। यहाँ से मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 2 से निकलते ही यहाँ पे विंटर्स के कलेक्शन स्टार्ट हो गए हैं। 50 रुपीज़ के सेल है यहाँ पे, यहाँ पे कोट मिल रहे हैं। मेट्रो से बाहर निकलते ही ठीक इतनी ज़्यादा भीड़ है कि हर जगह यहाँ पे स्टॉल लगे हुए हैं। यहाँ पे साइड में ऑक्सीडाइज ज्वेलरी भी है, मैं आपको पास से दिखाती हूँ। कितने की आंटी? 50 के 2। 50 के 2। नगर के एंट्रेंस में आ गई हूँ, ऑलमोस्ट यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही है। यहाँ पे देखते हैं एंट्री मिलती है कि नहीं। तो एंट्री करते ही सबसे पहले यहाँ पे 300 की सेल मिली थी, जो कि मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। और बहुत सारे स्वेटर के न्यू ऑप्शन थे, कलेक्शन थे। और ठीक उसी के सामने 150 की सेल लगी थी, जिसमें काफ़ी अच्छे स्वेटर्स मिल रहे थे। वहीं थोड़ा आगे जाके 100 रुपीज़ की भी सेल थी, और फुटवेयर्स में भी ऑप्शन थे जो कि 250 के थे। और आगे जाते जाते सीधी लाइन में इस तरह के आपको बैग्स मिल जाएंगे, बहुत सुंदर सुंदर। तो यहाँ पर आगे जाके 200 की सेल लगी थी जीन्स की, जो कि काफ़ी अच्छी क्वालिटी की थी, हाई वेस्ट थी। और यहाँ पे 80 रुपीज़ की स्पैगेटीज मिल रही थी। और इस टाइम आपको सरोजनी नगर में विंटर कलेक्शन में स्वेटर्स के काफ़ी ऑप्शंस मिल जाएंगे। यहाँ पे 200 की अगेन सेल लगी थी, जिसमें ये रेड जैकेट मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव लगी थी और इसका लुक भी काफ़ी अच्छा आ रहा था। थोड़ी आगे जाके आपको कुछ ऐसे भी हैंगर्स की सेल मिलेगी, जहाँ पे 400 के ये सॉफ्ट सॉफ्ट नाइट सूट मिले थे जो कि काफ़ी वार्म थे। और यहाँ पे कॉप्स की सेल लगी थी, बाय टू गेट 6 फ्री। तो यहाँ पे भी काफ़ी रश था, और सामने ये थोड़े पैंडेंट्स भी मिल रहे थे। और इस तरह से लाइन में चलते हुए आपको काफ़ी सारे सेल्स मिल जाएगी शॉप्स में, तो आप यहाँ जाके पता कर सकते हैं। और यहाँ पे मैं ऑक्सीडाइज ज्वेलरी देखने लगी थी, जो कि काफ़ी प्रीटी थी। यहाँ पे अंडर 30 और 100 में काफ़ी सारे ऑप्शंस थे ज्वेलरी के, जो कि आप ले सकते हैं। तो मैंने घूम ली, काफ़ी रश था, इतना शॉपिंग नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा रश था कि मतलब बहुत धक्का मुक्की हो रही थी। तो बस अभी मैं ये सामने वाले सरोजनी नगर के पार्क आ गई हूँ, यहाँ से थोड़ा खाती पीती हूँ और उसके बाद घर चलती हूँ। आज का व्लॉग यहीं एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो प्यारा सा लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट।